राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा दृश्य जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन डायनामिक लाइट्स का उद्घाटन करेंगे अब से कुछ ही देर में। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिनों बाद देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है और गणतंत्र दिवस के वक्त पर जो दिल्ली में काफी महत्व की जो इमारतें होती हैं उनको सजाया जाता है और उसमें एक राष्ट्रपति भवन भी होता है जिसको सजाया जाता है। वहां पर काफी रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति भवन को सजाने के लिए। और अभी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में जो नई डायनामिक लाइट्स लगाई गई हैं इसको सजाने के लिए उसका उद्घाटन कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति भवन जो एक ऐतिहासिक इमारत है, भारत के स्वतंत्रता से पहले से यह इमारत मौजूद है। करीब 340 कमरे इस इमारत में हैं, 320 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, जिसमें मुगल गार्डन जो काफी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहे होंगे, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल आप इस वक्त देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंच चुके हैं और वो राष्ट्रपति भवन की जो नई डायनामिक लाइट्स हैं जो राष्ट्रपति भवन की सजावट के लिए लगाई गई हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक इमारत है हमारे देश की, भारत के राष्ट्रपति यहां निवास करते हैं और आजादी से पहले इसको वायसराय हाउस कहा जाता था, उस वक्त जो वायसराय होते थे वो यहां पर रहते थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही देर में जो डायनामिक लाइट्स यहां पर लगाई गई हैं उसका उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद आप देख सकेंगे राष्ट्रपति भवन की सुंदरता लाइट्स में कितनी अच्छी लगती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंच चुके हैं और अगर हम आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में बताएं तो राष्ट्रपति भवन देश के राष्ट्रपति यहां पर निवास करते हैं और ये भारत की आजादी के पहले से मौजूद है। पहले इसको वायसराय हाउस कहा जाता था, उस वक्त जो वायसराय होते थे वो यहां पर रहते थे और आजादी के बाद यहां भारत के राष्ट्रपति निवास करते हैं और इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। और 130 हेक्टेयर यानी कि करीब 320 एकड़ की जमीन है जिसमें राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, जिसमें मुख्य भवन है, उसके अलावा मुगल गार्डन है और राष्ट्रपति बॉडीगार्ड और जो दूसरा स्टाफ है उनके रहने के लिए यहां पर क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो डायनामिक लाइट्स जो यहां पर लगाई गई हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। काफी रंग बिरंगी ये लाइट हैं जिनका उद्घाटन किया जा रहा है और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जो अन्य भवन हैं इसके साथ में जिसमें नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, वहां पर भी डायनामिक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और उनको भी सजाया जाता है डायनामिक लाइट्स से और काफी खूबसूरत ये भवन लगते हैं जब इनको डायनामिक लाइट्स से सजाया जाता है। राष्ट्रपति तथा बेलारूस के राष्ट्रपति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय के निर्देश में इस लाइटिंग प्रोजेक्ट को ढाई महीने में प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण रूप से स्थापित किया। इसमें कुल 628 लाइट फिटिंग्स का प्रयोग हुआ है, सभी RGBW LED लाइट फिटिंग्स है। और अब वो घड़ी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है और अब हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की फसाद लाइटिंग का उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा करें, रिमोट का बटन दबाकर। और इस वक्त राष्ट्रपति उद्घाटन कर रहे हैं इन लाइटों का आप देख सकते हैं और ये देखिए राष्ट्रपति भवन डायनामिक लाइट्स का उद्घाटन कर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा और कितनी खूबसूरत छटा राष्ट्रपति भवन बिखेर रहा है ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायनामिक लाइट्स यहां पर लगाई गई हैं और कुछ ही दिनों बाद गणतंत्र दिवस ये देश मनाने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब तैयारी की गई है और तिरंगे का रंग आप वहां पर
देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए विभिन्न प्रकार की लाइट्स वहां पर लगाई गई हैं, विभिन्न रंगों की लाइट्स वहां पर लगाई गई हैं, जो राष्ट्रपति भवन को काफी सुंदर बना दे रही हैं, खासकर रात के वक्त पर। और कुछ ही दिनों बाद गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, आसियान देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष इस बार, सभी आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बार भारत आ रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो अपने आप में एक विशेष और खास समारोह होने वाला है, और उसी समारोह को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की जा रही हैं। पहले भी राष्ट्रपति भवन को सजाया जाता रहा है, लेकिन तब सामान्य लाइटें होती थी जिनसे राष्ट्रपति भवन को सजाया जाता था, और राष्ट्रपति भवन के अलावा जो दूसरे भवन इसके आसपास में हैं, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, संसद भवन है, उनको भी सजाया जाता रहा है, और उन भवनों में भी अब डायनामिक लाइट्स लगा दी गई हैं, और ये भवन भी अब डायनामिक लाइट्स के जरिए सजाए जा रहे हैं। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में डायनामिक लाइट्स का, जो राष्ट्रपति भवन को सजाने का काम कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंगों की लाइट में एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। ऐतिहासिक महत्व है इस भवन का, और आजादी से पहले ये भवन, आजादी के पहले से ही यहां पर मौजूद है। पहले इसको वायसरॉय हाउस कहा जाता था, तब वायसरॉय यहां पर रहते थे, और उसके बाद आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान ये जगह बन गई। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि करीब 300 एकड़ में ये जगह फैली हुई है, जिसमें मुख्य भवन है, उसके अलावा राष्ट्रपति अंगरक्षक और जो दूसरे स्टाफ होते हैं राष्ट्रपति भवन के, उनके रहने के क्वार्टर्स इसमें बने हुए हैं। साथ ही प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी यहां पर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, और विभिन्न प्रकार के फूल और दूसरे पौधों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। और आइए अब इस वक्त की सुर्खियां देखते हैं।